नमस्कार, आप देख रहे हैं महरो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार वहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होगा। जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में वोटिंग होगी, जबकि कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपिया और कुलगाम जिलों में वोटिंग होनी है। आज पहले चरण में 24 सीटों पर 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में 42% निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं और आज के चुनावी मुकाबले में कई बड़े चेहरे भी मैदान में हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, बीजेपी के सोफी यूसुफ, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल पहले चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव हो रहे हैं। सुबह से ही जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीर भी सामने आई है जहां पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए पोलिंग बूथ के बाहर दिख रहे हैं। आतिशी को दिल्ली की कमान मिल गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही कई विवाद भी खड़े हो गए हैं। उनका अफजल कनेक्शन निकाला जा रहा है तो सरनेम पर भी जोरदार सियासत हो रही है। पूछा यह भी जा रहा है कि आतिशी दिल्ली की सीएम होंगी या डमी सीएम, क्या वो जो है भरत की तरह कुर्सी पर खड़ाऊ रख करके सरकार चलाएंगी। आतिशी को नया रोल तो मिला है लेकिन उन्हें कंट्रोल क्या अरविंद केजरीवाल करेंगे, कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में सहमति बनी और सीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही दिल्ली के अगले सीएम को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। हालांकि विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। सीएम पद के लिए आतिशी के नाम के ऐलान के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सवाल उठा दिया। मालीवाल ने कहा कि दिल्ली की सीएम एक ऐसी महिला बनने जा रही है जिनके माता पिता ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आतिशी के अफजल गुरु कनेक्शन को लेकर हमला बोला। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत ने टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मार्लेना का फैमिली था। आतिशी के सरनेम के विवाद की भी चर्चा हो रही है। आतिशी का पूरा नाम आतिशी मार्लेना था। कहा जाता है कि मार्क्स और लेनिन के नाम से प्रेरित होकर उनका यह नाम रखा गया था। बीजेपी ने उन पर वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने के आरोप लगाए हैं। अपने नाम के साथ आतिशी मार्लेना लिखा क्योंकि मार्क्स और लेनिन की प्रबल फैन है। वो एक कम्युनिस्ट है जो अर्बन नक्सल को बढ़ावा देते हैं और वही आज मुख्यमंत्री है, इसलिए भगवान दिल्ली का ख्याल रखे, यही प्रार्थना करते। आगे कोई मार्क्स और लेनिन से जुड़ा हुआ नाम भी इनका है तो पूरा नाम से ही पता चलता है ना कैसे विचारों के है? आतिशी मर्लेना, मैं तो पूरा जानता नहीं हूँ लेकिन जो चल रहा है अभी समाचारों में या मीडिया में या चर्चा में, उसमें पूरा नाम जानना चाहते हैं लोग भी, पूरा नाम भी लो जिससे इनका पूरा व्यक्तित्व समझ में आएगा।
इन विवादों के बीच बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि आतिशी डमी सीएम है। आम आदमी पार्टी के नेता भी आतिशी को भरत बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, सिर्फ अगले विधानसभा चुनाव तक कुर्सी पर भरत की तरह राम की खड़ाऊ रख कर आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। आतिशी को दिल्ली की कमान मिल गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि आतिशी अस्थाई सीएम है और भरत की भूमिका निभाने वाली है, यानी सीएम किसी को भी बनाया जाए, आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, एमएनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह आज होना है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये समारोह शुरू होगा। सुबह 10:45 पर सीएम भजनलाल जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल भी समारोह में शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 11 बजे से जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो शिरकत करेंगी। सुबह 10:45 का समय बताया जा रहा है जब सीएम भजनलाल जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने के लिए। सीएम भजनलाल भी समारोह में शिरकत करेंगे। 11 बजे का समय जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर एमएनआईटी का 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है निमंत्रण भेजा गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर वो इस समारोह में शिरकत करेंगे। 11 बजे समारोह की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 10:45 पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर सीएम भजनलाल उनको रिसीव करने के लिए पहुंचेंगे और सीएम भजनलाल भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन सुप्रीम फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक। बिना अनुमति नहीं हो डिमोलिशन। न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बुलडोजर तो एक ही चर्चा का विषय बना दी है क्या? ये बुलडोजर जेसीबी वहीं चली है जहां अपराधियों ने अनैतिक तरीके से या तो कब्जे किए हैं या कुछ नुकसान किया है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने से नहीं गिरेगा आसमान। बुलडोजर एक्शन के नाम पर घर तोड़ने के कार्य किए जा रहे थे, इस पर रोक लगा करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि ये समस्त कार्रवाई इल्लीगल थी, अवैध थी और कानून के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही थी। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगी गाइडलाइन। सत्रह सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगा। कोर्ट ने कहा कि ये रोक निजी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के लिए लगाई गई है। सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा सकता है। मामले पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में धर्म देकर एक्शन लिए जाने के आरोप गलत हैं। कमोबेश इसी तरह की बात बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने भी की। इसी क्रम में देखिए 528 साल इंतजार ही तो किया राम मंदिर का, न्यायालय का जब उत्तर आया उसी के पश्चात आगे कार्रवाई हुई। यानी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और रही बात बुलडोजर की, बुलडोजर तो एक ही चर्चा का विषय बना दी है क्या? ये बुलडोजर जेसीबी वहीं चली है जहां अपराधियों ने अनैतिक तरीके से या तो कब्जे किए हैं या कुछ नुकसान किया है।
केंद्र सरकार और बीजेपी से जुड़े नेता जोर देकर कह रहे हैं कि धर्म देखकर बुलडोजर एक्शन के आरोप गलत है और सरकार को लेकर एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा जो बुलडोजर एक्शन के नाम पर घर तोड़ने के कार्य किए जा रहे थे, इस पर रोक लगा करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि ये समस्त कार्रवाई इल्लीगल थी, अवैध थी और कानून के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही थी। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय को साबित कर दिया और बीजेपी की बदनीति का, बदले का, धोखे का, पाप का जो बीजेपी का बुलडोजर था, उसके पहिए उल्टे कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। ये हिंदुस्तान का संविधान है, न्याय है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब न्याय करता है तो वो छप्पर फाड़ के देता। आज पूरे हिंदुस्तान को छप्पर फाड़ के दिया सुप्रीम कोर्ट ने। रो रहे थे लोग, बिलख रहे हैं लोग। शीर्ष अदालत ने कहा है कि किसी आरोपी के घर पर सिर्फ इस वजह से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता कि वो आरोपी है। अदालत ने कहा कि ये अदालत का काम है ये तय करना कि आरोपी दोषी है या नहीं। देश में कानून का शासन है और किसी व्यक्ति की गलती की सजा उसके परिवार या उसके घर को विध्वंस करके नहीं दी जा सकती। अदालत ने आगे कहा कि अगर इस तरह की कार्रवाई की अनुमति दी जाती है तो ये कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले से देश भर में ऐसे लोगों को राहत मिली है जिन पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। बारिश के मौसम में सब्जियों के बढ़ते दामों ने लोगों का स्वाद बिगाड़ दिया है। जी हां, बढ़ते सब्जियों के दाम आम आदमी को परेशान करने लगे हैं। आलू, प्याज, लहसुन के दाम तो आसमान छू रहे हैं और दुकानदारों की माने तो नवंबर दिसंबर तक यही महंगाई रहने वाली है। सब्जियों के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। जी हां, राजधानी की लालकोठी मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां हम दुकानदार और कस्टमर दोनों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो रही है। बात की जाए आलू, प्याज और लहसुन, वो आम आदमी की पॉकेट से बाहर जा रहे हैं। जी हां, इस वक्त आलू का भाव मैं आपको बताऊं तो 30 रुपए किलो है, वहीं लहसुन 400 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। प्याज के भाव 60 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं। ऐसे में यहां सर से हम जानेंगे कि आखिर ये सब्जियां इतनी महंगी क्यों हो रही है। सर, क्या भाव इस वक्त सब्जियों का चल रहा है, इतनी महंगी सब्जियां क्यों हो रही है, खासतौर पर आलू, प्याज, लहसुन जो बेसिक सब्जी है वो महंगी? ये बारिश के कारण से क्या है कि तेजी हो जाती है, आलू प्याज में तेजी हो जाती है। अभी प्याज के भाव है 60 रुपए 70 रुपए, लहसुन 400 रुपए किलो चल रहा है, लहसुन 400 रुपए किलो चल रहा है। अभी कनाक चल गए तो कनाकों में ये तोरू के भाव 80 रुपए किलो हो गए, टमाटर 40-50 चल रहा है, अभी बारिश के कारण से हो रहा है। सर, सब्जियां लेने आप आए हैं, क्या सब्जियां महंगी हो गई है, आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ रहा है सब्जियों? सब्जी नॉर्मल बंदा तो सब्जी खरीद ही नहीं सकता। आप टमाटर देखो 60 रुपए किलो, प्याज जो कि हर गरीब से गरीब, अमीर अमीर से घर में भी चलता है, प्याज के दाम 70 रुपए किलो हो रहे हैं, लहसुन देखो तो 400 रुपए हो रहे हैं। बताओ ऐसी महंगाई में, मतलब आम आदमी तो एक तरीके से खाना भी, एक पकाने में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। ये जो मौसम बारिश की वजह से कहा जा रहा है कि दाम बढ़ गए हैं, या फिर बारिश की वजह से सब्जियों खराब हो गई खेतों में, इसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं, माल कम हो गया इसकी वजह से, कम हो गया इस वजह से रेटें बढ़ रहे, हाँ दाम बढ़ गए। और कब तक चलेगा ये सिलसिला? ये तब अब तक चलेगा नवंबर दिसंबर तक जी, फिर उसके बाद में वापस नई सब्जी आ जाएगी, सस्ता हो जाएगा। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज 18। यूपी के अलीगढ़ में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब एक दारोगा कोर्ट में हुए अपने अपमान से आहत होकर रेल की पटरी पर खुदकुशी के लिए बैठ गया। हालांकि उसके साथियों ने दारोगा को समझा बुझा करके वहां से उठाया और अपने साथ ले गए। आखिर दारोगा ने किस पर लगाया है कोर्ट में अपनी इंसल्ट करने का आरोप, समझे इस रिपोर्ट में। दारोगा ने की सुसाइड की कोशिश,
रेलवे पटरी से दारोगा को उठा कर लाए। कोर्ट में बदसलूकी का लगाया आरोप। शाम 5 से रात 10 बजे तक कोर्ट में खड़ा रखा। पन्ना देवी में तैनात एसआई सचिन कुमार ने रेलवे पटरी पर जाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। थाने के इंस्पेक्टर और क्राइम इंस्पेक्टर और तमाम अधिकारियों ने जाकर दरोगा को रेलवे पटरी से उठाया और समझा बुझाकर ले गए। अलीगढ़ में बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरोगा सचिन कुमार सुसाइड करने की नीयत से रेल की पटरी पर बैठ गए। गनीमत रही कि वक्त रहते इस बात की भनक पुलिस विभाग में लग गई। फिर क्या था, इंस्पेक्टर एसआई और दूसरे पुलिस वाले रात में जा पहुंचे दारोगा साहब को मनाने के लिए। दारोगा सचिन कुमार ने कोर्ट में बदसलूकी का आरोप लगाया है। दारोगा का कहना है कि उनके साथ अपराधी की तरह बर्ताव किया गया। बाइक चोर गैंग के 5 बदमाशों को जज के सामने पेश किया गया था, इसी दौरान उनके साथ अभद्रता हुई। सर मैं आज FIR नंबर 684 मुलजिम लेके गया था सर। सर श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब ने सर श्रीमान अभिषेक त्रिपाठी जी गया कोर्ट न्यायालय में सर। सर वहाँ मुझसे सर उनसे 5 मुलजिम थे सर, उनसे सर 7 बाइकें बरामद थी सर। उसके बाद उन्होंने सर मुझे 5 बजे से लेकर सर 10 बजे तक मुझे अपनी कोर्ट में खड़ा करके रखा। आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। दरअसल दारोगा सचिन कुमार का आरोप है कि बाइक चोर गैंग के 5 आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया था, लेकिन जज ने उनके साथ ही ऐसा बर्ताव किया जैसे वो भी चोर है। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कोर्ट में बाइक चोरों के साथ दारोगा सचिन कुमार को भी खड़ा रखा गया। सचिन कुमार का आरोप है कि हर 10 मिनट बाद जज उन्हें अपने रेस्ट हाउस में बुलाकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे। सर हर 10 मिनट बाद अपने चैम्बर में बुलाते थे, हर बार गाली गलौज करते, हर बार मुझे धमकाते, हर बार मुझे प्रेशर बनाते कि तुमने पकड़ के कैसे ली। मैंने बताया सर इनसे 7-7 बाइकें बरामद है, कार्ड्स के पार्ट बरामद है, सबका आपराधिक इतिहास है। सर हर बार मुझे धमकाया सर, मैंने कई बार कहा कि सर इनका रिमांड होना है, रिमांड तो किया नहीं सर, और ऊपर से प्रेशराइज बना लेंगे, सारी मर्यादाएं पार कर दी सर। दारोगा सचिन कुमार का आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने केबिन में बुलाकर दारोगा से कहा कि तुम लोग मुस्लिम लड़कों को फर्जी तरीके से पकड़ कर लाए। कल से अब तक बाइक चोर गैंग के 5 आरोपियों के रिमांड जज ने स्वीकार नहीं किए। रात में रेलवे पटरी पर बैठे दारोगा सचिन कुमार को इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें समझा बुझाकर रेल की पटरी से उठाकर लेकर आए। पीड़ित दारोगा सचिन कुमार ने थाना इंस्पेक्टर के सामने सभी आरोपों को लिखित में दिया है। वहीं SP सिटी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। बन्ना देवी थाना पुलिस और रिमांड जुनाइल मजिस्ट्रेट के बीच का मामला है। मामले में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और SP सिटी से बात हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामला प्रकाश में आया है, जांच की जा रही है और जो भी सामने आएगा उस पे बताया जाएगा कि अग्रिम आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इंस्पेक्टर और दरोगा इस वक्त भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश है और अपनी बात को रख रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। प्रधानमंत्री मोदी से जो है डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे। आपको बता दें कि 21 सितंबर से अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं और ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलने की बात कही है। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। 21 सितंबर से अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात कही है और साथ ही साथ ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 21 सितंबर से अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलने की बात कही है। चौमू के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के बाहर गुस्साए अभिभावकों ने जमकर के हंगामा किया है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार है, दूसरी तरफ बच्चों से स्कूल में साफ सफाई भी करवाई जाती है। अभिभावकों की नाराजगी और हंगामे की ये तस्वीर है चौमू के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की, जहां स्कूल प्रशासन से खफा परिजन हंगामा करने पहुंचे। विद्यालय में छात्रों से साफ सफाई करवाने और अव्यवस्थाओं से परेशान
माता पिता का गुस्सा फूट पड़ा और अभिभावकों के साथ साथ छात्रों ने भी स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया कि बच्चों से पढ़ाई के नाम पर साफ सफाई और दूसरे कामकाज कराए जाते हैं। आरोप के मुताबिक स्कूल के पोषाहार की सुरक्षा भी भगवान भरोसे है। इतना ही नहीं, जिस पानी की टंकी से बच्चे पानी पीते हैं उसमें भी छिपकली मिली। हालांकि स्कूल हेडमास्टर बच्चों से स्कूल में साफ सफाई कराने के आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। तो हम सभी स्टाफ वाले मिलकर के झाड़ू निकालते हैं। वो झाड़ू निकालते समय क्या है कि बच्चे भाग करके हमारे सहयोग के लिए आ जाते हैं, वो झाड़ू ले लेते हैं। फिर भी हम बार बार मना करते हैं, अगर आपके घर वाले हमको मना कर रखे हैं, उसके बावजूद भी ले लेते हैं और झाड़ू निकालने में सहयोग कर देते हैं। वो उन पर कोई प्रकार का दबाव नहीं रहता है बच्चों का। वो ये अभिभावक है ना, ये झूठा है ना, ये इल्ज़ाम लगाते हैं हम पर, ऐसा हम कोई बच्चों पर दबाव नहीं डालते। अभिभावकों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराया, लेकिन अभिभावकों का आरोप है कि शिकायत करने पर बच्चों की टीसी काटने की धमकी दी जाती है। इन सब के बीच स्कूल प्रशासन ने माना कि उनके यहाँ सफाई कर्मचारी की कमी है, लेकिन बच्चों से झाड़ू लगवाने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। चौमू से न्यूज 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैनी की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।